हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हो कि हमारी लाइफ के सबसे बड़ा इनाम क्या है? हमारी लाइफ का सबसे बड़ा इनाम है हमारा अपना पॉजिटिव बिलीव, हमारा अपने आप पे भरोसा। और ये जो हमारा अपने आप पे पॉजिटिव बिलीव है ना, ये आपको आपकी लाइफ में कहीं भी ले जा सकता है, ये आपको कुछ भी अचीव करा सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर टाइम गिवन टू दैट वर्क। और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो अगर कोई ऐसा बिलीव जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा, जो आपको किसी मुकाम पे नहीं ले जा पा रहा, तो आपको उस बिलीव को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि कौन से बिलीव आपको तरक्की के रास्ते पे ले जा रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, और कौन से बिलीव आपको रोकते हैं, आपको स्लो कर रहे हैं और आपको कामयाबी की तरफ जाने से रोकते हैं। जब आप अपने आप पे बिलीव करना शुरू कर देते हो ना, आप अचीव करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक कोट है कि बिलीविंग इन योरसेल्फ इज अचीविंग। जब आप बिलीव करते हो तो आप अचीव करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है और आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। और इसी तरह जब कोई गलत बिलीव आपके साथ जुड़ा होता है तो वो आपको स्लो कर देता है, वो आपको आपके अचीवमेंट से दूर ले जाता है। आपका गलत बिलीव क्या होता है? आपका गलत बिलीव आपको बहाने देता है कि मैंने ये काम नहीं करना, या आपको क्वेश्चन मार्क देता है, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, क्या मुझे ये काम करना चाहिए। जो लेजी लोग होते हैं, जो नाकामयाब लोग होते हैं, वो अपने गलत बिलीव की वजह से उस जगह पर होते हैं और वहां से आगे नहीं जा पाते। उनके बिलीव क्या होते हैं? मुझे शायद काम नहीं मिलेगा, शायद, मतलब बिना ट्राई किए उन्हें पता होता है कि हमें काम नहीं मिलेगा। हम अगर जाएंगे तो हमसे कोई ढंग से बात नहीं करेगा, बिना जाए उनको ये पता लग जाता है कि हमसे कोई ढंग से बात नहीं करेगा। ये उनका गलत बिलीव है जो उनसे ये सब कुछ करवा रहा है। और एक समय ऐसे आ जाता है जो लोग गलत बिलीव के साथ जीना शुरू कर देते हैं, वो किसी रास्ते पे चल नहीं पाते हैं, किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में, उनकी जिंदगी में गलत बिलीव ने इतना ज्यादा डेरा डाल दिया होता है कि वो कुछ भी करने के लायक ही नहीं बचते। और जिनके साथ एक गुड बिलीव चलता है वो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, उनसे बात करोगे वो आपके साथ एक अच्छी बात करेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो रोना धोना नहीं लगाएंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने क्या प्लान करके अपने टाइम को सही तरीके से उसका इस्तेमाल करके उन्होंने तरक्की कैसे की, या वो तरक्की कैसे करना चाहते हैं, या वो तरक्की कैसे कर लेंगे। उनकी बातें प्रोग्रेसिव रहती हैं, उनकी बातें इंटरेस्टिंग रहती हैं, उनकी सलाह लेने लायक होती है, उनसे बात करने से आपको मोटिवेशन मिलता है। ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड कीजिए जो आपका बिलीव पक्का करें। और यकीन मानिए, हमें लाइफ में बहुत लोग सलाह देते हैं, एडवाइस, मशवरा बहुत लोग देते हैं, लेकिन किससे लेनी चाहिए? हमें हमेशा सलाह, एडवाइस या मशवरा या कोई आइडिया उससे लेना चाहिए जिसने अपनी लाइफ में कुछ मकाम ऑलरेडी हासिल किया हो, जिसने अपनी लाइफ में वो तरक्की के लम्हे देखे हों और वो उसे रिटेन कर रहा हो और वो और ज्यादा आगे तरक्की पे बढ़ रहा हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिसने खुद कोई मकाम नहीं देखा ना, वो आपको भी नहीं दिखाएगा। जिसने खुद अच्छी चीजें लाइफ में की नहीं है, वो आपको भी नहीं करने देगा। जो खुद कहीं गया नहीं है, वो आपको भी नहीं जाने देगा। तो आप अपने सर्कल में फाइंड आउट कीजिए कि आपके सर्कल में लोग कैसे हैं, क्या प्रोग्रेसिव लोग हैं, ईमानदार लोग हैं अपने बिलीव के साथ, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कभी कुछ किया नहीं है और वो गलत बिलीव के साथ जी रहे हैं। तो वो लोग आपको करेक्ट बिलीव कैसे दे सकते हैं, वो लोग आपको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? कहीं आप भी उन्हीं के ट्रैप में तो नहीं फंस गए, कहीं आप भी उन्हीं के रास्ते पे तो नहीं चल रहे, वो गलत बिलीव कहीं आपने अडॉप्ट तो नहीं कर लिए, कहीं आप भी अपने पे डाउट तो नहीं करने लग गए, क्या मैं कर सकता हूं, लोग क्या कहेंगे, ये मेरे से कैसे होगा। लोग हमेशा वही कहेंगे, वही सोचेंगे जो आप अपने बारे में सोचते हो। यह बात याद रख लीजिए कि जो आप अपने बारे में सोचोगे, दुनिया आपके बारे में भी वही सोचेगी। एंड द रूल नंबर वन इज, ये आपने नहीं सोचना है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में कैसा सोचना चाहते हो? अगर आपका बिलीव इतना पक्का है अपने बारे में, तो आपकी लाइफ में ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर
आप गलत बिलीव के साथ जीते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते रहेंगे जिनके जवाब आप खुद भी नहीं दे पाओगे। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जिन बातों के जवाब आप खुद नहीं दे पा रहे हो तो उन सवालों का आप करोगे क्या? क्या वो सवाल आपको आगे लेके जा रहे हैं या आपको पीछे धकेल रहे हैं? हमें अपनी लाइफ में ये पता ही नहीं चलता कि हमारी जिंदगी की जो किश्ती है, जिंदगी जो बोट है, उसमें हमने अपने ही अनवांटेड बिलीव्स का वेट डाल के उसे हैवी कर दिया है और उसकी स्पीड स्लो हो गई है। हम सारी जिंदगी परेशान रहते हैं और हमें ये नहीं पता लगता कि हमारी जिंदगी के साथ, हमारी लाइफ के साथ ही हो क्या रहा है। और जैसे ही आपको एक करेक्ट बिलीव आता है, और मैं होप करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक अगर आप बने रहेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको यह समझ आएगी कि आपकी लाइफ की बोट में, आपकी लाइफ की किश्ती में आपने कितने सारे अनवांटेड बिलीव्स की गठरियां रख रखी हैं। और मेरी पहली एडवाइस आप सबको यह है कि उन पोटलियों को, उन गठरियों को, उन अनवांटेड बिलीव्स को अपनी लाइफ की किश्ती में से उठा के बाहर फेंकिए। आप देखेंगे कि आपकी बोट की स्पीड बढ़ गई है, आपकी जीने की क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, सोचने का नज़रिया बदल चुका है, आपकी लाइफ के बिलीव्स पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके गोल्स पॉजिटिव हो जाएंगे। क्योंकि जो अपने आप पे एक गुड बिलीव करता है वो अपने गोल्स पे फोकस करता है, और जिसके बिलीव्स ठीक नहीं होते हैं वो अपने आप को डाउट में रखता है और लोगों को भी डाउट में रखता है। तो हमारे ऐसे वीडियोस बनाने का मेन रीजन ही यही है, आप तक ऐसी बातों को पहुंचाना जिससे आपको ये समझ आए कि जो लाइफ का सबसे बड़ा इनाम है, जो हमारा पॉजिटिव बिलीव है, उस पॉजिटिव बिलीव को अपने साथ कैसे लेके चलना है। सो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसे ही और बहुत ही कीमती जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास बाकी लोगों को भी बताइए कि आपके हर सवाल का जवाब है और वो हम देंगे। मैं राजेंद्र सिंह रूबी, आपका लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर, धन्यवाद।